पहले शुरू से म्यूजिशियन बनना था कि नहीं बनना था, पहले तो ये बताओ। अरे मैं तो क्रिकेटर था। ओके मैं 10 साल क्रिकेट खेली है। आई प्लेड फॉर इंडिया अंडर 19। क्या बात कर रहे हो। आई प्लेड रणजी ट्रॉफी, आई प्लेड इंडिया अंडर 19। व्हेन आई प्लेड इंडिया अंडर 19 तो हमारी टीम थी शिखर, रोहित, रोहित रोहित एक आई हैव प्लेड विद रोहित रोहित शिखर, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, चितेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे। क्या बात कर रहे हो। धोनी, आई हैव प्लेड अ मैच विद धोनी। ओके, आई प्लेड वन मैच विद धोनी जब वो आई गेस इंडिया ए के लिए खेलने गए थे पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ। आई थिंक इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान, उन्होंने उस सीरीज में, दिस इज बिफोर ही प्लेड फॉर इंडिया। ओके, तो उसमें उन्होंने 300 बनाए थे। उसके बाद देयर इज अ टूर्नामेंट कॉल्ड जेपी अत्रे। ओके, वो पंजाब का सबसे बड़ा टूर्नामेंट और पूरे इंडिया से वहां पे टीम आते हैं। तो उस टूर्नामेंट के बाद जब मैं देखता था, फॉलो करता था कि 300 मारे व्हाट अ प्लेयर। उसके बाद हमारा मैच हुआ उनके साथ, तो बॉम मारा उन्होंने, 70 बॉल पे 119 मारे। मेरे को एक चौका मारा बस। अच्छा, आप बॉलर थे। मैं फास्ट बॉलर था। तो मैं, मेरे को अभी याद है कि मैं उनको ना बहुत, मतलब क्रिकेटिंग में जैसे बहुत अंदर अंदर रख रहा था, रूम नहीं दे रहा था मारने के लिए। मैं एक बॉल पे रूम दिया, उन्होंने इतना, ही सो स्ट्रांग, उन्होंने ऐसे शॉट मारा, नीचे बाउंस हुआ और कवर पॉइंट के ऊपर से चौका, बाउंस के होके ऊपर से चौका मारा। और उन्होंने कम से कम, मेरे को लगता 9-10 छक्के मारे होंगे उस मैच में। मैं ही था जो नहीं पिटा बस। So how was, वैसे just give me some context, I'm a big fan of Mahi Bhai. Yeah. तो ये बताओ कि महेंद्र सिंह धोनी का उस टाइम पे एटीट्यूड कैसा था? क्या वो उस टाइम पे भी वैसे काम, कंपोज, पीसफुल रहते थे कि जो अभी आज हम टीवी देखते हैं, that's a different Mahi. Very calm, same. I still remember he was batting on 96. मैं शॉर्ट फाइन लेग पे खड़ा था, शॉर्ट फाइन लेग, क्रिकेट की है आपको थोड़ा? नहीं नहीं, but ठीक है। I was very close. Okay. तो ही वॉज प्लेइंग ऑन 96। हमारा जो विकेट कीपर था उनसे बात कर रहा था कि पाजी यार आपने इतने छक्के मार दिए, छक्का मार के 100 करो यार। एंड ही सेड, नहीं विकेट कीपर बोल रहा था, विकेट कीपर बोल रहा था यार आराम से कर लूंगा कोई चक्कर। अगली बॉल पे मारा छक्का ग्राउंड के बाहर 100। बट वेरी काम एंड कंपोज, नॉट, मतलब बिल्कुल काम थे तब से। एंड आई रियली वॉन्टेड हिम टू प्ले, मतलब मैं तो उनका वो इंडिया ए वाली सीरीज में ही आई वॉज अ फैन, रियली वॉन्टेड हिम टू प्ले। तो मैं उनको उसके बाद आई फॉलोड एवरी मैच, जब पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने फर्स्ट अपना 100 बनाया था, 183 आई थिंक ही मेड इन वाइजैग, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एक बार ऐसी चीज़ हुई थी, एक बार ही शुरू की बात है, आई वॉज 15-16 और मैं अंडर 19 पंजाब की टीम का कैंप लगा रहा था। तो 15 लोगों में आई गॉट सिलेक्टेड इन द टीम। उसके बाद मेरे को बाहर निकाल दिया, दो लोगों को, कोई और दो जने आ गए, मे बी आई डोंट नो, सिफारिश, आई डोंट नो, वट एवर। तो आई लव सडनली सिफारिश, आई डोंट नो, कुछ तो था। मतलब मेरे को ना बहुत पुरानी बात है ना, अच्छे से याद है, बस एक चीज याद है, मेरे फुफड़ जी बोलते हैं, फुफड़ जी आए, मैं उनको, बुआ हस्बैंड ओके, तो वो चंडीगढ़ में रहते थे, वो आए, मैं उनको बताया, मैं कहा मेरे को निकाल दिया, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं कहा दो जनों को हमको निकाल दिया है, तो ऐसे कोई सिफारिश लगी होगी, मैं बाहर निकल गया हूँ अब। वो कहते कि सिफारिश दो लोगों की लगी, बाहर गए तो तू क्यों है उसमें, यू शुड बी दैट गुड कि अगर कोई सिफारिश लगे कोई दूसरा बाहर जाए ना, तू क्यों बाहर गया, तू, यू हैव टू बी दैट गुड। ट्रू, Yeah, so good perspective. Yeah, yeah. बहुत लोग इस बारे में सोचते हैं यार, सिफारिश वाले को मेरी जगह चांस दे दिया और मुझे नहीं मिल पाया, एंड द अदर पर्सपेक्टिव इज कि 11 लोगों में से मैं ही निकला, मतलब बाकी 11 में से मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है। सो फिर क्या हुआ, लाइक यू वांटेड टू प्ले, इंडिया ए खेला, तो इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ कि कुछ इंजरी हो गई, क्यों छोड़ दिया क्रिकेट? आई वॉज प्लेइंग फॉर इंडिया अंडर 19, तो हमारा था इंडिया वर्सेज इंग्लैंड अंडर 19 इन बैंगलोर। उस साल में डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा एंड गॉट सिलेक्टेड। मैच जब मैं इंडिया सेलेक्ट हुआ था ना, उससे पहले हमारा मैच था पंजाब वर्सेस तमिलनाडु इन चेन्नई। मैं उस मैच में 5 विकेट निकाले, बट आई गॉट इंजर्ड, आई गॉट स्ट्रेस फ्रैक्चर इन माई बैक। ओके,
उसके बाद सिलेक्शन होगी टीम में. अब मैं वो मैच, आई वॉज यंग एंड आई वॉन्टेड टू प्ले एंड आई वॉज अफ्रेड कि मैं बताऊंगा तो मेरे को बाहर निकाल देंगे. मैं पहला मैच इंजरी के साथ ही खेल लिया. इंजरी के साथ जब खेला तो करी तो मैंने गलती, वो एग्रेवेट हो गई और आई कुडंट परफॉर्म विद इंजरी. बस इस डर की वजह से कि निकाल देंगे, आई प्लेड अगले मैच में निकाल दिया क्योंकि आई वॉज इंजर्ड और एग्रेवेट हो गया. तो टीम के साथ था मैं, दो एक ही मैच खेला हूँ इंडिया अंडर 19 वर्सेज इंग्लैंड वो इंजरी में. देन आई हैड टू रिकवर फ्रॉम इट. एक साल लगा मेरे को उससे बाहर निकलने के लिए क्योंकि वो एक इंजरी बढ़ गई थी. तो फिर अगले साल आई वॉज अगैन, अगले साल मैं रणजी ट्रॉफी खेला पंजाब से. उस अगले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम 2007 में श्रीलंका में जानी थी अंडर 19. तो आई वॉज अमंगस्ट द टॉप 2-3 परफॉर्मर्स इन बोलिंग इंडिया में. नाइस. तो वो पुणे में कैंप लगा था. इंडियन टीम के कोच थे वेंकटेश प्रसाद. सिलेक्टर्स थे प्रवीण आमरे, दिलीप वेंगसरकर, एक जना और था. सो उन्होंने 30 लोग बुलाए वहाँ पे पूरे इंडिया से एंड दे सेड आपने जो भी पहले परफॉर्म करा है इट्स ओके बट वी नीड कि जो यहाँ पे परफॉर्म करेगा विल टेक देम. ओके. सो फर्स्ट मैच आई प्लेड. अच्छा, उससे पहले जब मैं रणजी ट्रॉफी लास्ट मैच खेल रहा था मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था. ओके. 10 दिन पहले इस अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम के 10 दिन पहले विशाखापट्टनम में. तो मेरे को, मैंने वहाँ से परमिशन लेके मैं ट्रैवल करा फ्लाइट में दिल्ली. दिल्ली में वो जो ब्लैक येलो कैब्स नहीं होती पुरानी चलती थी, मैं उस कैब में बैठ के ठिठुर रहा हूँ, बुखार चढ़ा हुआ, उसमें मैं पटियाला घर पहुँचा. मैं पटियाला से हूँ, से पटियाला घर पहुँचा, बुरी हालत और मेरे को टेंशन थी 10 दिन बाद ये टूर्नामेंट होना है, मैं क्या करूँगा. तो मेरे को वो मेरे नान के बोलते ना, मम्मी की साइड नानी हाउस, वो गाँव में था, वहाँ लेके गए. तो नानी हाउस लेके गए, तो नानी हाउस लेके गई. तो वहां पे ना हमारे पुराने पंजाब में या हर जगह पे होता है झाड़ा करते हैं ना, झाड़ा झाड़ ना, झाड़ करते हैं. तो वहां पे एक हमारे मेरे नानके में एक बंदा था जो झाड़ा करता था, इसको माता बोलते हैं ना, माता हटाने के लिए ऐसे ऐसे. तो उन्होंने मेरा वहां पे झाड़ा करा, मैं वहां पे 2-3 दिन रहा एंड वापस जाना शुरू हो गया. मतलब जो चिकन पॉक्स था वापस जाना शुरू हो गया. आई गॉट रिकवर्ड इन लाइक 5-6 डेज. नाइस. एंड देन आई वेंट फॉर दिस टूर्नामेंट. तो उस टूर्नामेंट में जब उन्होंने 30 लोग सिलेक्ट करे, वही मैंने आपको बताया कि उनको वो जो यहाँ परफॉर्म करेंगे विल टेक देम. ओके. आई प्लेड फर्स्ट मैच, 10 ओवर, इट वॉज वन डे, 10 ओवर, आई थिंक 3 या 4 मेडिंग थे. आई गॉट 5 विकेट्स इन दैट मैच. नाइस. एंड आई गॉट रोहित शर्मा आउट. नाइस. आई गॉट चितेश्वर पुजारा आउट. सही. आई गॉट Ravindra Jadeja out, and then there was one Pinal Shah. He was a wicket keeper, and then Yo Mahesh. He used to, he played from Chennai. So, वो मैच खेले, उसके सारे बड़े विकेट लिए. Yeah, 10 over, 3 maiden थे. हाँ, 35 runs, 5 wickets. I think killer. Yeah. उसके बाद अगला मैच उनको था कि हर प्लेयर को 2-2 मैच मिलेंगे. So 3 मैच कराने हैं उन्होंने. अगला मैच में नहीं खेला क्योंकि उन्होंने अगला मैच किसी और को चांस दिया. नाउ थर्ड डे जो तीसरा मैच था, मैं पहले बॉलिंग टीम में था जिसकी पहले बॉलिंग आनी है. तो मेरे पास, अब ऐसे नाम मैं बोलूंगा, मेरे पास आए प्रवीण आमरे. उन्होंने बोला कि तू रेस्ट कर, तू दूसरी बॉलिंग, दूसरी टाइम पे बॉलिंग करना दूसरी टीम में. मैं ठीक है. और टीम बननी थी हाफ, जब हाफ टाइम होना था ना 50 ओवर्स जब बीच में, तब सिलेक्टर्स ने बैठना था टीम के. ओके. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं बिल्कुल थर्ड मैन पे खड़ा था. मेरे साथ एक पॉइंट पे ना एक बंदा ऑफ स्पिनर था. तो ही सेड, भैया आप तो अब श्रीलंका जाओगे, आप तो अब खेलोगे, आपने परफॉर्म करा ये वो, मैं तो अब छुट्टी पे जाऊंगा, ये है वो है. टीम सुनाई तो मैं नाम ही नहीं. ही वॉज इन द टीम, ऑफ स्पिनर वॉज इन द टीम. वो टीम में था, मैं टीम में नहीं. मैं क्या, स्टैंड बाइज में भी नहीं था. क्यों, मेरे को समझ नहीं आया क्यों. क्योंकि फास्ट बॉलर्स का कोटा खत्म हो गया था इसलिए, कि उनको एक स्पिनर डालना था क्या. नहीं, आई थिंक सी देयर वर टू पर्सपेक्टिव्स. जो एक वहां पे बात हुई, जब तीसरे दिन ना हमारी बैटिंग चल रही थी
तो मैं बैठा था, मेरी बैटिंग आई, तो मेरे हमारे पंजाब का एक बॉलर था, ही हैज प्लेड फॉर इंडिया, राहुल शर्मा, तो उसका छोटा नाम होता था वेंकी, एंड वेंकटेश प्रसाद हमारे कोच थे, वो सामने बैठे हुए थे, तो मैं बैट मंगाने के लिए मैं गया वेंकी मैंने तो उसको बोला ओके, एंड देन वेंकटेश प्रसाद ऐसे देन आई थिंक बुरा लग गया या कुछ हो गया, एंड ही सेड मेरे को तो सेम टीम चाहिए, दैट वाज मे बी दैट वाज द थिंग और मे बी आई डोंट नो देयर दैट द कॉम्बिनेशन व्हाट दे वांटेड बिकॉज दे वर जो दूसरे थे वो दे वर प्लेइंग पिछले दो टूर्नामेंट से फास्ट बॉलर्स, तो मेरे को लगा मे बी इसलिए कि उनका वो कॉम्बिनेशन सही चल रहा है इसलिए नहीं करा, बट एटलीस्ट कोई सब्स्टिट्यूट कोई ये वो उसमें स्टैंड बाइज में नहीं, मेरा दिल टूट गया, तो मैं गया, मैं उस दिन इतना गुस्से में था, मैं गया तो मैंने वहीं टी शर्ट उतारी, मैं फेंक आया वहाँ पे, मैं गया आज के बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, तो फिर नहीं खेला, नहीं उसके बाद मैं वापस आया, वो तो थोड़े टाइम का होता है ना, इट वॉज मैं वापस आया कुछ टाइम, अगले साल भी खेला मैं रणजी ट्रॉफी, अगले साल वन डेयर्स खेला, बट आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन कि मैं ना जब आया था वापस तो मैं एक दिन बिना वार्म अप के मैं बॉल करना शुरू हो गया गुस्से में, ये क्या हो गया, ये क्या, 19 साल में आप छोटे होते हो, आप इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते, नहीं समझ आता, समझ नहीं आता, आई गॉट इंजर्ड, मैं इतनी जोर से विदाउट वार्म अप बॉल करता, मेरी एल्बो में इंजरी हो गई, मेरी एल्बो ऐसे एक्सटेंड हो गई पीछे, तो जब एक्सटेंड हुई तो उसके बाद इतना दर्द होता था, रात को ऐसे लटक जाती थी बाजू, मैं बहुत, उसके बाद बहुत जगह पे गया, सीटी स्कैन एमआरआई स्कैन सब कराया, किसी चीज़ में कुछ भी नहीं आया, फिर मैं क्या करूँगा, एक साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, क्या करूँगा अब, क्या करूँगा लाइफ में, नहीं चल रहा, देन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया ऑन स्टूडेंट वीज़ा, मेरे को था कि अगर वहाँ पे अच्छे कोई डॉक्टर्स मिल गए, अच्छा कुछ मिल गया तो आए वहाँ पे ठीक हो गया, आई कैन कम बैक एंड प्ले, अगर नहीं हुआ तो मैं वहाँ पे सेटल डाउन हो जाऊँगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगा।